हेलो एंड वेलकम टू समाज सेवा टेक। आइए मुझे रिब खान फ्रेंड्स, एज यू नो इन दिस सेशन वी आर डिस्कसिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट जम्मू एंड कश्मीर स्टैटिक्स जीके एमसीक्यूज। फ्रेंड्स, दिस सेशन विल हेल्प यू इन वेरियस अपकमिंग एग्जाम्स ऑफ JKSSB, JKPSC, JK पुलिस एंड अदर यूटी लेवल एग्जाम्स। सो वॉच इट रेगुलरली विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट्स स्टार्ट अवर टूडेज सेशन। और फर्स्ट क्वेश्चन इज, मेज एंड वीट आर द प्रोमिनेंट क्रॉप्स ऑफ विच एरिया। मक्की और गेहूँ किस इलाके की मशहूर फसलें हैं। ऑप्शन ए में हमें दिया हुआ है जम्मू रीजन, ऑप्शन बी हमारे पास कश्मीर वैली, ऑप्शन सी हमारे पास लद्दाख रीजन और ऑप्शन डी में हमें दिया हुआ है नन ऑफ द अबव। मेज एंड वीट आर द प्रोमिनेंट क्रॉप्स ऑफ जम्मू रीजन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर टू है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर रॉबी क्रॉप ग्रोन इन विंटर्स इन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नीचे दी गई जो क्रॉप्स हैं, जो फसलें हैं, इनमें से कौन सी ऐसी मेजर रॉबी क्रॉप है जो जम्मू कश्मीर में मौसम सरमा के दौरान उगाई जाती है। ऑप्शन ए में हमें दिया हुआ है राइस, ऑप्शन बी हमारे पास वीट, ऑप्शन सी हमारे पास मेज, ऑप्शन डी में हमें दिया पोपी। वीट इज ए मेजर रॉबी क्रॉप ग्रोन इन विंटर्स इन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्टिकल क्रॉप्स ग्रोन इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कौन सी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स उगाई जाती है। ऑप्शन ए में हमें दिया हुआ एप्पल्स, ऑप्शन बी हमारे पास एपियर्स और ऑप्शन सी हमारे पास प्लम्स और ऑप्शन डी में हमें दिया हुआ है ऑल ऑफ दीज। एप्पल्स, एपियर्स एंड प्लम्स आर द हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन जम्मू एंड कश्मीर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेपल फूड ऑफ द कश्मीरीज। नीचे दी गई जो फूड्स हैं, इनमें से कौन सी कश्मीरीज की स्टेपल फूड है। ऑप्शन ए में हमें दिया हुआ है व्हीट, ऑप्शन बी हमारे पास राइस, ऑप्शन सी हमारे पास मेज और ऑप्शन डी में हमें दिया हुआ है पल्सिस। राइस इज द स्टेपल फूड ऑफ कश्मीरीज। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फाइव है हमारा, द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स ऑन मलबरी ट्रीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क नोन एज। सिल्क वॉर्म्स जो मलबरी ट्रीज पर रेयर किए जाते हैं ताकि उससे क्या हो सके, रॉ सिल्क प्रोड्यूस किया जा सकते, सिल्क रॉ सिल्क प्रोड्यूस किया जा सके, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में हमें दिया हुआ है सेरिकल्चर, ऑप्शन बी हमारे पास हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन सी हमारे पास एग्रीकल्चर और ऑप्शन डी हमारे पास विटिकल्चर। रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स ऑन मलबरी ट्रीज इज नोन एज सेरिकल्चर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारा, जम्मू इरीगेट्स इट्स रीजन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल सिस्टम। जम्मू जो है अपने इलाके को कौन सी कैनाल सिस्टम से इरीगेट करता है। ऑप्शन ए में हमें दिया हुआ है रणबीर कैनाल सिस्टम, ऑप्शन बी हमारे पास प्रताप कैनाल सिस्टम, ऑप्शन सी में हमें दिया हुआ है रावी तवी इरीगेशन कॉम्प्लेक्स और ऑप्शन डी में हमें दिया हुआ है ऑल ऑफ द अबव। जम्मू इरीगेट्स इट्स रीजन फ्रॉम रणबीर कैनाल सिस्टम, प्रताप कैनाल सिस्टम, रावी टू तवी इरीगेशन कॉम्प्लेक्स। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेवन है हमारे पास, द कैनाल विच टेक्स इट्स वाटर फ्रॉम द रिवर झेलम एंड फ्लोज इनटू द वुलर लेक। कौन सी कैनाल, कौन सी नहर ऐसी है जो पानी लेती है दरिया झेलम से और फ्लो करती है वुलर लेक में, वो कौन सी है। ऑप्शन ए में हमें दिया हुआ है दादीकुल, ऑप्शन बी हमारे पास नूर, ऑप्शन सी हमारे पास संबल और ऑप्शन डी में हमें दिया हुआ है मंडीकुल। नूर कैनाल टेक्स इट वाटर फ्रॉम द रिवर झेलम एंड फ्लोज इनटू द वुलर लेक। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर एट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट कैनाल इन द वैली यूज फॉर इरीगेशन। नीचे दी गई जो कैनाल्स हैं, इनमें से कौन सी कैनाल जो सबसे पुरानी है
जो वादी कश्मीर में इरिगेशन के पर्पस के काम आती है। ऑप्शन ए में हमें दिया है मार्टन कैनाल, ऑप्शन बी हमारे पास शाकुल कैनाल, ऑप्शन सी हमारे पास जैनागिर कैनाल और ऑप्शन डी हमारे पास लाल कुल कैनाल। मार्टांड कैनाल इज द ओल्डेस्ट कैनाल इन द वैली यूज फॉर इरिगेशन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल्स इरीगेट्स द प्लेसिस ऑफ कुपवाड़ा, सोपोर एंड हंदवाड़ा। कौन सी नहरें जो है कुपवाड़ा, सोपोर और हिंदवाड़ा की जगहों को इरीगेट करती हैं। ऑप्शन ए में हमें दिया मार्टंड, ऑप्शन बी हमारे पास जैनागिर, ऑप्शन सी में हमें दिया हुआ है लाल कुल और ऑप्शन डी में हमारे पास दिया हुआ है शराब कुल। लाल कुल कैनाल्स इरीगेट्स द प्लेसेस ऑफ कुपवाड़ा, सोपोर एंड हंदवाड़ा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस आर रीजन्स ऑफ वैली नोन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ सेफ्रॉन क्रॉप। कश्मीर घाटी में या कश्मीर के इलाके में कौन सी ऐसी जगह हैं जो सेफ्रॉन कल्टीवेशन की वजह से जानी जाती हैं, जहाँ पर सेफ्रॉन की कल्टीवेशन ज़्यादा होती है। ऑप्शन ए में हमें दिया हुआ है पैम्पूर, ऑप्शन बी हमारे पास जम्मू, ऑप्शन सी हमारे पास अनंतनाग और ऑप्शन डी में हमें दिया हुआ है ऑल ऑफ द अबव। पम्पोर रीजन इज नोन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ सैफ्रन क्रॉप। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो को पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल समाज सेवा टेक को ज्वाइन कीजिए बाय सर्चिंग समाज सेवा टेक। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर कोई सजेशन देनी हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही में हमारे यूट्यूब चैनल समाज सेवा टेक को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, दैट्स द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।